तरह से मैंने ये चित्रकारी का काम किया है, ये पौराणिक काम है, राजस्थानी पैटर्न के अनुरूप बहुत ही पुराना काम है। किस तरह से औरतें उस जमाने में घर पर रहती थी, जिस तरह से ये पनियारी है और डोला मारू, और ये हमने काम पूरी ब्लू सिटी के अंदर ब्लू बैकग्राउंड के अनुरूप हमने ये सारा काम किया। और ये काम सीधा मेहरानगढ़ जाता है पंचमुखी बालाजी, तो बालाजी से होते होते और काफ़ी कुछ शानदार काम हुआ है। और ये राजस्थानी पैटर्न के अनुरूप ट्रेडिशनल वर्क हुआ है सारा, और आप देखेंगे। और ये विदेशी पर्यटनों के लिए, उनको लुभाने के लिए, वो देखे हमारे राजस्थान का पुराना कल्चर किस तरह का था और किस तरह से लोग उस जमाने में ऐसे थे, जैसे साफा पहने हुए हैं, ढोला मारू, बनी ठनी, ऐसी कई चित्रकारी हमने दी है मानने सहित। ऐसी बाहर के फॉरेनर टूरिस्ट लोगों के लिए हमने ये लुभाने लायक ऐसी बहुत सी चीज़ें दी है। और आप देख सकते हैं सारी दीवारों पे ब्लू सिटी अनुरूप हमने बहुत ही खूबसूरत काम यहाँ उखेरा है अपनी चित्रकारी रंग रोगान के अनुरूप, और काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। मेरा नाम अदिति बोहरा है और हम यहीं रहते हैं, काफ़ी कितने सालों से यहीं रहते हैं, बट कभी भी ये जो मतलब अलग चीज़ है, ये मतलब कभी भी नहीं हुआ है ऐसा, ये पेंटिंग्स वगैरह कभी नहीं हुई। इस बार हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है। जाके आए हम लोग, मेरे फ्रेंड्स में हम लोग सब जाके आए, फ़ोटोज़ क्लिक कराई, फ़ोटोज़ डाली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, कहाँ है ये। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद ये सब चीज़ें हुई हैं ना, तो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और हम उनको लेके जा रहे हैं, एज अ मतलब एज अ कि हम यहाँ पर रहते हैं ना, तो हम उनको लेके जा रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।